एक डाटा के हिसाब से नॉर्मल प्लेन को उड़ने के लिए लगभग 2300 फुट का रास्ता चाहिए, पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 300 फुट से ज्यादा बड़ा रास्ता बनाना संभव नहीं था, तो कम दूरी में तेज रफ्तार देने के लिए कैटापुल्ट सिस्टम का आविष्कार किया गया। पर ये काम कैसे करता है? सबसे पहले स्टीम को एक टैंक में भरकर हाई प्रेशर बनाया जाता है, पर भाप की मदद से इतनी तेज रफ्तार कैसे जनरेट होती है? तो इस काम के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं शटल को। हर फाइटर एयरक्राफ्ट में एक टो बार होती है जिसे शटल के हुक में फंसा दिया जाता है। अब जैसे ही प्रेशराइज्ड स्टीम छोड़ी जाती है, शटल एक गोली से भी तेज रफ्तार से आगे मूव करता है और अपने साथ इस भारी भरकम प्लेन को खींच लेता है। और जैसे ही प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर के एंड तक पहुंचता है, तो शटल में लगा हुआ टो बार उससे अलग हो जाता है और प्लेन उड़ जाता है। क्या इस तरह के लॉन्चिंग सिस्टम से कोई फायदा भी है? हाँ, बिल्कुल है। इस तरह के लॉन्चिंग सिस्टम की वजह से प्लेन ज्यादा भारी वजन लेकर उड़ सकता है, ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकता है, यहाँ तक कि ज्यादा हथियार लेकर भी उड़ सकता है, और उसे लंबे रनवे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।